नमस्ते, मैं अनीता। आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी लोग के लिए एक नए रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा। तो आज हम करेले का बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। करेला खाने में तीता लगता है, जिससे बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं इस तरीके से करेले का सब्जी बनाऊंगी जो कि खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा और ये तीता भी नहीं लगेगा और बच्चे भी सब्जी को मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 400 ग्राम करेला ले लिए हैं। कभी भी करेला का सब्जी बनाइएगा तो करेले के सब्जी में प्याज ज्यादा डालिएगा। 400 ग्राम करेला है तो कम से कम इसमें 300 ग्राम प्याज जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्याज ज्यादा डालिएगा तो करेले का सब्जी तीता नहीं लगता है। तो चलिए इसे अब हम काट लेते हैं सब्जी के लिए। तो यहाँ पे एक डीप बॉल ले लिए हैं और उसमें हम करेला को सब्जी बनाने के लिए काटेंगे। तो देखिए इस तरह करेला को लेंगे और फसल पर इस तरह गोल गोल काटेंगे। तो देखिए इस तरह करेले को काटना है। हम इस फसल पर करेले को काट रहे हैं, इसे हसुआ भी बोला जाता है। इस पर सब्जी अच्छा कटता है। तो देखिए इस तरह गोल गोल काट लेंगे। पतला पतला काटना है सब्जी बनाने के लिए। तो इसी तरह सारे करेले को काट लेंगे। तो देखिए सारे करेले को इस तरह से पतले पतले गोल गोल काट लिए हैं। आप किसी आकार में काट सकते हैं सब्जी बनाने के लिए। इसका हम सूखा सब्जी बनाएंगे बिना मसाला का। तो देखिए करेले को धोकर ले लिए हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चम्मच इस चम्मच से नमक डालकर और इसे अच्छी तरह से नमक में करेले को मिलाकर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो नमक रख कर करेले में अच्छी तरह मिला दिए हैं। देखिए नमक रखते ही करेला सॉफ्ट होने लगा। तो जो नमक रखने से करेले का पानी निकलेगा, उससे क्या होता है कि करेला का तीतापन कम हो जाता है। जब इसका आप सब्जी बनाइएगा तो ये बिल्कुल ही खाने में तीत नहीं लगेगा। तो इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका तो इसमें हम करेले का सब्जी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल डालनी है। करेले का सब्जी बनाने से तेल थोड़ा ज्यादा ही लगता है, तो करेले का सब्जी बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए तेल गर्म हो चुका है तो इसमें अब हम देखिए यहाँ पे 300 ग्राम प्याज ले लिए हैं। 300 ग्राम से ज्यादा ही है लेकिन कम नहीं है। और इसे इस तरह के पतले लंबे पीस में काट लिए हैं। तो अब तेल गर्म हो चुका है तो इसमें प्याज को डाल देते हैं। तो प्याज को तेल में डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए चला लेंगे। अब हम करेले को देख लेते हैं, 5 मिनट हो गया। तो देखिए करेले को 5 मिनट हो गया रखते हुए, करेला सॉफ्ट भी हो गया है नमक डालने से और देखिए पानी भी करेला छोड़ दिया है नमक डालने से। तो इस पानी को निकाल लेंगे और करेले को निकाल कर प्याज में डाल देंगे। तो देखिए करेले का पानी हम निकाल दिए हैं नमक वाला। अब करेले को प्याज में ही डालकर भुनेंगे। डालकर अच्छी तरह प्याज के साथ में करेले को मिला देंगे। तो देखिए प्याज में अच्छे से करेले को मिलाकर चला दिए हैं। अब इसे ढककर हम इसे पकने देंगे। तो देखिए ढक देंगे और ढककर इसे पकने देंगे। तो करेले को पकते हुए 2 मिनट हो गया तो इसे हम अब ढक्कन हटा के चला लेंगे। अच्छी तरह चलाते हुए करेले को मिला लेंगे। अब इसमें हम हल्दी और नमक डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी लिए हुए हैं तो इसे डाल देंगे। नमक हम करेले में पहले तो डाले ही हुए थे तो हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। देखिए इतना ही नमक डालेंगे।
देखिए नमक हल्दी डालकर अच्छे से सब्जी को भिगा देंगे और इसे ढककर पकने देंगे। तो करेले को चलाते हुए इसे अच्छी तरह हम भून लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे पककर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह आप पका हुआ कैसे चेक करेंगे, तो इस तरह करेले को तोड़िएगा, आराम से टूट जाएगा चम्मच से, तो समझिए करेला पक चुका है, तो सब्जी बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से सब्जी को बनाना है, बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी करेले का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डालकर भून सकते हैं, आमचूर पाउडर नहीं होगा तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं, आप डालकर बनाइएगा। तो देखिए बहुत ही कम मसाले में करेले का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी इस तरह करेले का सब्जी बनाकर खाइएगा, ये बिल्कुल ही खाने में तीता नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।